पूरे देश में 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीनेशन अभियान शुरू हो जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की फैक्ट शीट में इस बात की पूरी जानकारी दी गई है कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन के क्या संभावित साइड इफेक्ट हो सकते हैं और इसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। आइए जानते हैं इनके बारे में। कोविशील्ड के सामान्य साइड इफेक्ट्स। सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड के लिए फैक्ट शीट में कहा गया है कि वैक्सीनेशन के बाद कुछ हल्के लक्षण देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि इंजेक्शन लगने वाली जगह पर दर्द और सूजन, सिर दर्द, थकान, मांसपेशियों में दर्द, बेचैनी, पायरेक्सिया, बुखार, जोड़ों में दर्द और मितली महसूस होना। फैक्ट शीट के अनुसार वैक्सीनेशन के बाद ऐसे लक्षण दिखने पर पैरासिटामोल जैसी आम पेन किलर दी जा सकती है। कोविशील्ड के गंभीर साइड इफेक्ट। फैक्ट शीट में कहा गया है कि कोविशील्ड वैक्सीन के बाद डिमायलेटिंग डिसऑर्डर के भी कुछ मामले देखे गए हैं, हालांकि इनकी संख्या बहुत कम है और वैक्सीन के साथ इनका कोई संबंध नहीं। क्या होता है डिमायलेटिंग डिसऑर्डर? हमारी शरीर की तंत्रिका कोशिकाएं माइलिन नाम की एक सुरक्षात्मक परत से ढकी होती है जो मस्तिष्क को संदेश भेजने में काम करती है। माइलिन को नुकसान पहुंचाने वाली स्थितियों को डिमायलेटिंग डिसऑर्डर कहते हैं। कोवैक्सीन के सामान्य साइड इफेक्ट। फैक्ट शीट के अनुसार भारत बायोटेक की कोवैक्सीन देने पर इंजेक्शन लगने वाली जगह पर दर्द, सूजन, सिर दर्द, थकान, बुखार, शरीर दर्द, पेट दर्द, मितली और उल्टी, चक्कर आना, कपकपी और सर्दी खांसी जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। कोवैक्सीन के गंभीर साइड इफेक्ट। कोवैक्सीन के कोई असामान्य साइड इफेक्ट्स नहीं बताए गए। कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक का कहना है कि वैक्सीन के पहले, दूसरे और 25,800 लोगों पर जारी तीसरे ट्रायल में कोई गंभीर दुष्प्रभाव सामने नहीं आया। भारत बायोटेक ने कहा है कि क्लोरोक्वीन और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का इस्तेमाल कोविड-19 क्लिनिकल मैनेजमेंट में रिपर्पस दवा के तौर पर किया गया है। वैक्सीन लगाने पर यह एंटीबॉडी रिस्पॉन्स को बाधित कर सकता है। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो उसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।